यूरोलॉजी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्लियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? क्योंकि नेफ्रॉन रिलेटेड डैमेज होने के कारण से बहुत सारे साइंग एंड सिम्टम्स बॉडी में देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको सिंड्रोम कहा गया है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम आइए जानते हैं क्या है। इसको समझने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये आपकी कैपिलरीज है। क्लियर, और कैपिलरीज के सराउंडिंग ब्लड वेसल्स, सॉरी ये सेल्स रहती हैं, ठीक है, सेल्स टिश्यूज़ रहते हैं, ये सेल्स रहती हैं, और इसमें कैपिलरी क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है। और क्योंकि यहाँ पे एल्बुमिन प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है, एल्बुमिन प्रोटीन, और एल्बुमिन प्रोटीन क्या करता है, ऑस्मेटिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एल्बुमिन प्रोटीन के ऑस्मेटिक करके मेंटेन करके रखना, इसका मतलब कि यहाँ के पानी को ये बना के रखता है, ओके, और यहाँ से भी पानी जरूरत पड़ने पे खींचता रहता है, इसी को कहते हैं अपन ऑस्मेटिक प्रेशर। अब जब एल्बुमिन कम पड़ जाएगा तो ऑस्मेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और ऑस्मेटिक प्रेशर यदि डाउन हो जाएगा तो यहाँ पर जो मेंटेन्ड वाटर वॉल्यूम है, ठीक है, ये मेंटेन्ड जो वाटर वॉल्यूम है वो ऑस्मेटिक प्रेशर के इधर कम होने से, ये प्रेशर के कम होने से, ऑस्मेटिक प्रेशर के कम होने से ये वाटर कहाँ मूव करेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में मूव करेगा। क्लियर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। ये तो मैंने स्टोरी बताई कि एल्बुमिन का कैपिलरी में और ब्लड सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम में एल्बुमिन के कम होने से एडिमा हो जाता है, ये मैंने आपको स्टोरी बताई। क्लियर, अब हम देखते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए हमने डायग्राम बनाया नेफ्रॉन्स का, ठीक है, और नेफ्रॉन की जो ये लेयर है जहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, फेनेस्ट्रा, जिसको हम फेनेस्ट्रा कहते हैं, ग्लोमेरुलर फेनेस्ट्रा, ठीक है, यहाँ से यूरिन फिल्टर होके आती है। क्लियर, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ की परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज परमेबिलिटी, इंक्रीज परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, किसकी, नेफ्रॉन्स की परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उस कारण से क्या हो जाएगा कि यहाँ का जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, ग्लोमेरुलाई है, ठीक है, इसके अंदर से जो एल्बुमिन है, एल्बुमिन, ये एल्बुमिन कहाँ लीक हो जाएगा, यूरिन के अंदर लीक हो जाएगा। समझ में आ गया, मीन्स रेड कलर का जो पोर्शन है ये ब्लड है, ये क्या है, ब्लड है, ओके, और यहाँ पे ग्रीन कलर में जो आउटपुट मिल रहा है, क्लियर, ये ग्रीन कलर में जो आउटपुट मिल रहा है ये क्या है, यूरिन है। क्लियर, ये क्या है, यूरिन है। अब हम क्या समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि ड्यू टू द इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन के परमेबिलिटी के इंक्रीज होने के कारण से लॉस ऑफ द एल्बुमिन, लॉस ऑफ द एल्बुमिन फ्रॉम ब्लड टू द शिफ्ट, या लीकेज ऑफ द एल्बुमिन फ्रॉम ब्लड टू द यूरिन, ब्लड से यूरिन के अंदर एल्बुमिन का रिसाव हो जाना, तो क्या होगा, ब्लड के अंदर एल्बुमिन कम हो जाएगा तो हाइपो एल्बुमिनेमिया का सिम्टम आएगा। क्या आएगा, हाइपो एल्बुमिनेमिया, हाइपो एल्बुमिनेमिया का सिम्टम आएगा। और दूसरा, यूरिन के अंदर एल्बुमिन बढ़ रहा है तो क्या सिम्टम आएगा, हाइपर एल्बुमिन यूरिया, क्या आएगा, हाइपर एल्बुमिन यूरिया, स्पेस कम होने की वजह से मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, हाइपो एल्बुमिनेमिया, ब्लड के अंदर तो एल्बुमिन कम हो गया और यूरिन के अंदर एल्बुमिन बढ़ गया। क्लियर, ओके, अब जब ब्लड के अंदर एल्बुमिन कम हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑस्मेटिक प्रेशर डाउन हो जाएगा, ऑस्मेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और ऑस्मेटिक प्रेशर के डाउन होने से पेरिफेरल एडिमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेरिफेरल एडिमा। तो पर्सन को क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, हाइपोएल्बुमिनेमिया, हाइपर एल्बुमिन यूरिया और पेरिफेरल एडिमा, ये चीज़ें पर्सन के अंदर देखने को मिलेंगी। ये अलग अलग डिजीज कंडीशन है जो कि आपको एक ही डिजीज़ में देखने को मिल रही है, इसीलिए इसको हम सिंड्रोम कहते हैं। पर इस सिंड्रोम में, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, होता क्या है कि इंक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ द नेफ्रॉन एंड इट विल लीड टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ द एल्बुमिन फ्रॉम ब्लड टू द यूरिन, इट विल बी रिजल्ट इन द हाइपो एल्बुमिनेमिया एंड हाइपर एल्बुमिन यूरिया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस कंडीशन से क्या क्या और सिम्टम्स रिलीज होते, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन से इसे स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम पार्ट 1 ये था, अब नेक्स्ट वीडियो आएगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम पार्ट 2।